एनईपी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ एक कागज की पुलिंदा नहीं है, यह एक दार्शनिक तत्व है। 21वीं सदी में भारत की नई पीढ़ी विश्व की नेतृत्व करने वाला है, ज्ञान के आधार पर नेतृत्व करने वाला है। ऐसे व्यवस्था को लागू करने के लिए मॉडर्न स्कूल चाहिए। भारत सरकार की केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, एकलव्य आवासीय विद्यालय तथा राज्य की लगभग 22,000 स्कूल, ये सब गुणवत्ता से जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके अंदर मॉडल खड़ा करने के लिए, बेंचमार्क खड़ा करने के लिए भारत सरकार वित्तीय प्रबंधन किया है, राज्य सरकार भी उसमें सहयोगी हुआ है, उसलिए पीएम श्री स्कूल एक मॉडल स्कूल के नाम पे बनाया जाएगा। उसमें प्रारंभिक अवस्था में राज्य में 141 स्कूल को चयन किया गया है, आज उसकी काम शुरू हो रहा है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। 40 स्टूडेंट्स के लिए सुभाष हॉस्टल बनाया गया। उच्च शिक्षा में आज दो महत्वपूर्ण काम हुआ। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा था नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा, क्या पता ये धामी जी और हमारे धन सिंह जी की जोड़ी ये पूरा अगुवाई कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महीना भर पहले बिल लाए और धामी जी ने उसके लिए स्टेट रिसर्च स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था कर दिया। उन्होंने अभी उच्च शिक्षा सचिव कह रहे थे सारे फैकल्टी सोशल सेक्टर साइंस की हो या साइंस टेक्नोलॉजी की हो, सारे प्राध्यापक 10 से 15 लाख की रिसर्च प्रोजेक्ट पाने के लिए योग्य हैं, हकदार नहीं है। यानी अभी आप भरो, प्रोजेक्ट भरो, उत्तराखंड की क्या काम करेगा उसके बारे में लिखो, उत्तराखंड की 1,25,00,000 लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए आपकी रिसर्च क्या काम पे आएगी, उसके बारे में चैलेंज होगा, उसके बारे में समीक्षा होगा, जो योग्य होगा आज धामी जी ने उसको वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था किया। शायद मैं मानता हूं देश में उत्तराखंड एक नया बेंचमार्क इसके माध्यम से खड़ा किया एनआरएफ को अपने से लागू करने के लिए। ऐसे ही स्कॉलरशिप की व्यवस्था हुई है, इसको बंद कर दो, स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था हुई है बच्चों के लिए। आज तो जो लोग राज्य की सफल बच्चे उनको भी स्कॉलरशिप दिया गया।